नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। लेकर आई हूं आपके लिए गुड न्यूज बुलेटिन। बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बदला, आइए जानते हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम करने वाले छात्र छात्राओं को सीसीएसयू प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। छात्र अब बीएड परीक्षाओं के तुरंत बाद प्रैक्टिकल में शामिल होकर अपना कोर्स पूरा कर सकेंगे। छात्रों को इसके लिए बार बार विश्वविद्यालय या कॉलेज के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्कुलर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने टेक्निकल एंट्री स्कीम बैच जनवरी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप आर्मी में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इस भर्ती के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 60% अंकों के साथ कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में पास की है। इसी के साथ मेंस 2024 भी दिया जाएगा। IIT मद्रास ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन AAT 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है। AAT 2024 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 9 जून को सुबह 10 बजे शुरू कर दिया जाएगा और अगले दिन यानी 5 जून को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जी एडवांस AAT 2024 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधी अधिक जानकारी ले सकती है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई यानी आज रखा जा रहा है। कहते हैं इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से जीवन से सभी विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए भगवान गणेश को विघ्न हर्ता के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 मई यानी आज शाम 6:06 पर होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 27 मई को शाम 4:53 पर होगा। अगर आप भी लू से अपना बचाव करना चाहते हैं तो भरपूर पानी पीने के अलावा और किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकती है। ये फूड्स न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि शरीर की एनर्जी को भी बनाए रखते हैं। आपको बता दें कि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। खीरे में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। पुदीने की तासीर ठंडी होती है। पुदीने का रस, चटनी या पुदीना वाली चाय पीकर आप खुद को फ्रेश और ठंडक महसूस करा सकते हैं। फिलहाल के लिए गुड न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स के साथ।